गरीबों की मदद करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो कुरान की पहली पहली आयतों में ही अल्लाह ताला बता चुका है कि मुमिमा रज़क़नाहुम मिन फिखुन, जो रिस्क हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो। एक मोमिन होने के नाते हम पर यह हक बनता है कि गरीबों को भूख का ख्याल करें और उन पर खर्च करें। मुअज़्ज़िज़ सामईन, दुनिया में हर इंसान कामयाबी की जिंदगी गुजारने की तमन्ना करता है। हकीकत यह है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने माल को देखकर फखर से कहता है कि मेरा माल मेरा माल, असल में तो उसके जमा शुदा में सिर्फ उसकी तीन चीज़ें हैं, एक जो उसने खाकर ख़त्म कर दिया हो, दो जो उसने पहनकर फाड़ दिया हो, और तीन खुदा के राह में खर्च करके आखिरत का जखीरा बना लिया। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सूरह दह में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ तुम अल्लाह के राह में खर्च करते हो वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला के इस कलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक माल खर्च करने के फजाइल वारिद हुए। तो इस तसव्वुर ने सहाबा को ऐसे बना दिया, जब वो किसी के घर के गरीब के घर गोश्त भेजते तो वो गोल फिर कर उन्हीं के पास आ जाता था। जब मौत का वक्त आया, जान हलक में अटकी हुई है, पानी पिलाने वाला पानी पिलाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि पहले बाजू वालों को पिलाओ, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं, पहले बाजू वालों को पिलाओ। ये थी सहाबा कराम की मदद करने वाली तड़प। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त भूखों को खाना खिलाने में और उनको उनकी तकलीफ को बांटने में ज़्यादा वक्त लगाते थे और कहते थे कि गरीब लोग अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के साथ रहना पसंद करते थे और अल्लाह से बार बार यही दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे गरीबों के साथ रख, गरीबों के साथ उठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमें ये चाहिए कि गरीबों की मदद करें, और इस्लाम भी यही सिखाता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को अमीर और कुछ लोगों को गरीब इसलिए बनाया ताकि अमीर लोग गरीबों की मदद कर सकें। एक वाकया कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। एक दिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज़े से थी और एक शख्स उनके पास आया और लाख दिरहम उनको तोहफे में दिया। शाम तक उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिए और अपनी बांदनी को बुलाया और पूछा कि आज इफ्तारी में क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो पूरे के पूरे लाख दिन हम गरीबों में तकसीम कर दिए, दो चार रख लेते तो आज घर गोश आ जाता। तो देखिए, इस वाक्ये से हमें ये मालूम होता है कि वो देने वाली कौम थी, कल के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन हमें लेने की आदत पड़ गई, लेने वाली कौम हो गई। इसीलिए हम कुछ कमाते हैं तो उसमें बरकत ही नहीं होती हमारे रिश्ते, लेकिन जो भूखों को खाना खिलाते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे होते। ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोगों की मदद किया करो जिनका चेहरा सवाल होता है और ज़ुबान बेसवाल होती है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें भूखे और प्यासों की खदर जानने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।